मैया पीली मैया बैठो। गुरु जी महाराज राधे राधे। महाराज मैं भी पुलिस में साहब के साथ में ही हूँ। हाँ। और इनके मार्गदर्शन में आपको फॉलो करता हूँ। पत्नी से क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई है। कहाँ है? थोड़ा पारिवारिक कुछ उसको परेशानियाँ रहती है और अपन समझाते हैं तो उल्टा ही रिएक्शन रहता है, तो मैं आपके चरणों में लाया हूँ। गुरु महाराज जी कुछ मार्गदर्शन करिएगा। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं पिछले 5 साल से बहुत परेशान हूँ। मुझे वीकनेस बहुत लगती है, लंबी लंबी सांसें चलती है, घबराहट होती है और काम घर का कर नहीं पाती। पति से क्या दिक्कत है? पति से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते, वो कह रहे हैं चिड़चिड़ाती रहती हो आप। अब वो 5 साल हो गए, मेरे से सहन नहीं होती अब तकलीफ। कौन सी तकलीफ? मेरे को वीकनेस बहुत लगती है और घर तो खाया करो, अच्छा बादाम काजू खाओ। दो ही टाइम खाते हैं, ताकत की दवाइयाँ भी ली। दवाइयाँ क्यों खाओ? फल खाओ, अच्छे से खाओ, काजू किशमिश खाओ। वो भी खा के देखा। देखा मतलब खा के छोड़ दिया। मतलब ट्रीटमेंट भी बहुत करवाया पर कुछ असर नहीं होता। योग करती हैं आप? नहीं योग नहीं करती। योग किया करो, थोड़ा प्राणायाम किया करो और अच्छी चीजें खाओ, फल खाओ, सलादें ज्यादा खाओ, है ना, हेल्दी चीजें ज्यादा खाओ। और पति से जब चलो, ये तो स्वास्थ्य है, अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन इसमें चिड़चिड़ाने की और पति से झगड़ा करने की क्या बात है? थोड़ा आप योग नहीं करती हो, आप एक्सरसाइज नहीं करती हो, आप जरा भी प्राणायाम नहीं करती, तो आपका तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। कोई भी आदमी ना करे ये सब चीजें तो स्वास्थ्य बिगड़ता है। बिल्कुल गुरुजी, हाथ पांव बिल्कुल उठते ही नहीं, बिल्कुल ताकत लगती ही नहीं है। हाँ तो आपको पहले अपना ध्यान रखो खाने पीने से, अच्छा। और पति से लड़ने से आप स्वस्थ हो जाएंगी? 5 साल से लड़ रही है, बताओ स्वस्थ हुई? फिर वो भी बेचारे परेशान है। प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा में कोई लाभ है? फिर क्यों आज से बोलो हम चिड़चिड़ाएंगे नहीं, बोलो। गुरुजी मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मेरे हाथ पांव में झंझनाहट होती है, घबराहट होती है, लंबी लंबी सांसें चलती है, ऐसा क्यों होता है? तो पति की क्या गलती है इसमें ये बताओ। नहीं उनसे बीमारी के पीछे झगड़ा नहीं होता, थोड़ा बहुत घर की जो समस्या है। क्या समस्या है ये बताओ? मेरी जेठानी थोड़ा बहुत कुछ मानसिक रूप से मुझे टेंशन देती है। देवरानी? जेठानी। जेठानी? हाँ। तो जेठानी से बात ही ना करो ना ज्यादा। नहीं करते हम। फिर जब बात ही नहीं करते तो टेंशन कैसे देती है? हम 2-3 दिन में जब कभी काम करने उठते हैं तो वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके मेरे को मानसिक रूप से वो करती है। आप इग्नोर करो उनकी बातों को, जब पता है कि सही नहीं है तो आप इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो उन बातों में। भाई ये बताओ कि जब आपके जब बहुत बड़ा तूफान आने लग जाता है तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं? क्यों? ताकि कचरा ना घुस जाए, धूल मिट्टी ना घुस जाए। उसी प्रकार जब कोई आपकी तरफ गलत बातें फेंकने लग जाए, आपको गलत कहने लग जाए, तो आपको अपने कान की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। वो चीज़ें सुनो ही मत जिससे आपको नुकसान हो, वो चीज़ें सुनो जो आपके लिए हितकर हों, सही हों। ठीक है? चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें। और आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, तो कल सवाल होंगे और कल उत्तर होगा। सबको जय श्री मन्नारायण, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही, जिनको मिलना है अंदर आ जाइए।